टेंथ क्लास बेटे 8.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। पहला क्वेश्चन है मान निकालनी, मतलब वैल्यू निकालनी, फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। उसका पहला पार्ट देखिए बेटे, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। साइन 60 होता है रूट 3 बटा 2, कॉस 30 होता है 30 डिग्री होता है रूट 3 बटा 2, प्लस इनको मैंने ब्रैकेट में रखा क्योंकि गुना हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन 30 होता है 1/1/2 और कॉस 60 भी होता है 1/2। तो देखो इसको इससे गुना करेंगे, ये अगर रूट 3 दो बार आ रहा है उसका स्केयर हो गया, 2 का स्केयर हो गया ये, प्लस 1 × 1 और 2 × 2 = 4। स्केयर और रूट कैंसिल हो जाते हैं बेटा हमेशा, तो हमने यहाँ पे ये कैंसिल किया कितना बचा सिर्फ 3, और नीचे 2 का स्केयर 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 4 प्लस 1/4 लघुत्तम इन दोनों का क्या आ गया 4, ऊपर सेम 3 + 1 = 4, 4/4 1, तो आंसर इसका हो गया हमारे पास 1। इसी तरह से बेटा सेकंड पार्ट जो है, 2 टैन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो 2 टैन स्क्वायर है तो मैं इसको टैन 45 डिग्री का स्क्वायर है, टैन 45 डिग्री लिख के उसका स्क्वायर है, प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर है माइनस साइन 60 डिग्री उसका स्क्वायर है। तो देखो 2 वैसे ही है, टैन 45 एक होता है, 1 का स्क्वायर आ गया, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 है उसका स्क्वायर है, माइनस साइन 60 डिग्री रूट 3/2 उसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो एक ही आएगा, 1 × 1 होता है 2 × 1, तो ये 2 × 2 आ गया, प्लस ये देखो रूट 3 का स्क्वायर करोगे रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4, माइनस इसी तरह से रूट और स्क्वायर कैंसिल क्या बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का है 1 माइनस का, तो 2 ही आंसर इसका आएगा। अगला बेटे थर्ड पार्ट जो है ये क्या है, कॉस 45 डिग्री बटा सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसीकेंट 30 डिग्री। देखो कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, आपको वैल्यूज आएंगी तभी क्वेश्चन आएंगे, बटा सीकेंट 30 डिग्री वो क्या होता है, कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा क्या आएगा 2/√3, प्लस कोसीकेंट 30 डिग्री मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो उसका उल्टा क्या हुआ 2/1। अब हम ये ऊपर वैसे रहने देते हैं, नीचे लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा √3, ये 2 वैसे रहेगा प्लस ये उधर गया 2√3, अब ये 1/√2 ऊपर जाके ये गुना होगा तो उल्टा हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, मीन ये आया √3 को 1 से किया √3 आया, नीचे इसको मल्टीप्लाई करो 2√2 प्लस ये 2 तो ऐसे रहेगा रूट रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 और 3 = 6 बनेगा। अब बेटे जब नीचे रूट में आ रहा होता है तो उसको हम खत्म करने के लिए रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं हम उसका, तो देखो ये सेम वैसा लिख दिया पूरा, अब यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस करके उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस करके ऊपर नीचे करते, सेम सारा आएगा बस यहाँ साइन चेंज होगा, अगर प्लस है तो माइनस से करेंगे, अगर माइनस तो प्लस से करेंगे। अब रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 वैसे रहेगा रूट 3 रूट 2 कितना हो गया √6, माइनस ये 2 वैसे इसके ऊपर रूट नहीं है वो अलग से रहेगा, और रूट वाले इकट्ठे करो 6 × 3 = 18, ये आ गया √18 बटा नीचे बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम फॉर्मूला पहले भी लगा चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन 2√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन 2√6 का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहा, नीचे देखो 2 का स्क्वायर मीन 2 × 2 = 4, और रूट का स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल 2 बचेगा, माइनस ऐसे इसका करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर करेंगे कैंसिल होकर 6 बचेगा, ऊपर सेम रहेगा नीचे 4 × 2 = 8 माइनस 6 × 24, 8 में से 24 गए तो कितने आ गए माइनस 16, और ऊपर 2 कॉमन निकल रहा है बाहर निकाल दिया √6 − √18 बच गया। अब 16 को 2 से काटो तो कितना है 8, ये माइनस नीचे है मैं माइनस ऊपर ले गई इसके साथ, बाकी वैसे ही रहा, ब्रैकेट खोली तो माइनस √6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस √18/8, ये इसका आंसर होगा। अगला नेक्स्ट फोर्थ पार्ट बेटा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन टेन 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री बटा सेकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री 45 डिग्री, सबकी वैल्यू पुट कर दी, साइन 30 होता है 30 होता है 1/2 प्लस टेन 45 एक होता है, कोसेकेंट 60 मीन साइन 60 का उल्टा मतलब 2/√3, सेकेंट 30 मीन कॉस 30 का उल्टा 2/√3, कॉस 60 होता है 1/2 और कॉट 45 होता है टेन का उल्टा, टेन 45 एक होता है उसका उल्टा 1। अब मैंने ऊपर लघुत्तम लिया, लघुत्तम में दोनों आएंगे 2√3 दोनों आएंगे, अब 2 तो √3 को हम 2 से डिवाइड करें क्या बचा √3, तो उसको 1 से गुना करेंगे √3 आ गया, प्लस अब 2√3 इसके साथ जाएगा यहाँ पे 2√3 आ गया
माइनस जब दो रूट तीन, देखो रूट तीन तो हमारे पास है, दो उधर जाएगा, दो दुनी चार। इसी तरह से नीचे लेंगे दो रूट तीन, रूट दो सिर्फ इससे गुना होगा, दो दुनी चार। जब रूट तीन है हमारे पास, सिर्फ रूट तीन इससे गुना होगा, रूट तीन आएगा प्लस फिर इधर जाएगा दो रूट तीन, दो रूट तीन से दो रूट तीन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ये देखो कितने बार है, तीन रूट तीन हो गया क्योंकि कुछ नहीं तो एक, एक रूट तीन प्लस दो रूट तीन, तीन रूट तीन माइनस चार, और नीचे बना चार प्लस एक रूट तीन प्लस दो रूट तीन, कितना बना तीन रूट तीन। अब इसको हम नीचे खत्म, रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो देखिए बेटा मैंने क्या किया, इसको तीन रूट तीन माइनस चार, वैसे ये रूट वाला पहले लिख लिया क्योंकि पहले है तो ये भी पहले लिख लिया, प्लस चार। अब नीचे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण रैशनलाइज करेंगे, प्लस है तो किससे करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से। अब देखो ये ऊपर सेम है बिल्कुल, तो दो बार हो गया तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। तो ए स्क्वायर मतलब रूट तीन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चार का स्क्वायर। अब ऊपर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ए माइनस बी का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसी तरह से यहाँ मैं ए माइनस बी का स्क्वायर भी लिख देती हूँ, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी। तो बस यहाँ पे ए क्या हुआ हमारे पास, तीन रूट तीन, और बी क्या हुआ चार, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर तीन रूट तीन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चार का स्क्वायर माइनस टू ए बी। बटा इसको ए इसका क्या, तीन तीन नौ और रूट कैंसिल हो गया, तीन आया नौ तीन स्थाई, और माइनस चार चौके सोलह, स्थाई में से सोलह के कितने बचे ग्यारह। इसी तरह से ऊपर करेंगे तो ये बने स्थाई प्लस सोलह माइनस तीन दूनी छः, छः चौके चौबीस रूट तीन। अब इसको इकट्ठा करेंगे, स्थाई और सोलह हो गए तरतालीस माइनस चौबीस रूट तीन बटा ग्यारह।